बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज है 27, तो हम लोग आ गए हैं नए वाले घर पे, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और फिर थोड़ा एक दो दिन यहाँ पे सेट करने में टाइम लगेगा। उस टाइम पे तो हम लोग एक ही महीना रहे थे, कुछ अच्छे से हमने किया भी नहीं था। तो अभी अभी आए, थोड़ी देर आराम किया। ये सारा सामान अभी बाहर ही पड़ा है और अंदर जाके देखा इतनी ज़्यादा धूल हो रही है ना, मैं सोच रही थी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, पर सारे बर्तन गंदे, सब इतना गंदा हो रहा है। तो सब कुछ मुझे धुलाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं किचन सेट करती हूँ। किचन सेट हो गया ना तो लगता है कि हाँ सब कुछ सेट हो गया। तो देखते हैं, थोड़ी बहुत शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। किचन हर हाउसवाइफ के लिए एक ऐसी जगह होती है, वो दिन भर में जो सबसे ज़्यादा टाइम बिताती है वो किचन में बिताती है। और शायद हर हाउसवाइफ को अपने किचन से बहुत प्यार होता होगा और सभी ये सोचते होंगे कि हम अपना किचन साफ रखें, शुद्ध और अच्छा रखें, ताकि हमें खाना बनाने में या हम जितना भी टाइम वहाँ बिताएँ तो हमारा अच्छा बीते, हम खुशी खुशी खाना बनाएँ। तो सेम वैसे ही मेरा भी है, जब कुछ भी होता है तो सबसे पहले मैं अपना किचन साफ करती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ। किचन अगर साफ सुथरा हो और अच्छे से मैनेज हो तो ना खाना बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ऐसा लगता है कि हाँ बस 2 मिनट में हमारा खाना बन जाएगा और किचन में आते ही एक अच्छा सा फील आता है। और जब किचन मैसी मैसी होता है तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता है और मतलब अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मेरा तो सबसे ज़्यादा रहता है कि चाहे अपना किचन छोटा हो, बड़ा हो या कैसा भी हो, बट वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से साफ़ सुथरा रखें ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं घर पे भी कोशिश करती थी जितना मुझसे हो सकता था और जिस टाइप से किचन था तो उसको वैसे मैं मैनेज करके रखूँ और जो भी वहाँ पर सामान रखा है उसको साफ़ सुथरा रखूँ। किचन में जितने भी बर्तन थे मैंने सबको बाहर पे रखा, जितना हो सकता था उनको बाहर पे वॉश किया और फिर कुछ कुछ जो मैंने अंदर वॉश किए। और एक भी बर्तन ऐसा नहीं था कि जो मैंने नहीं धोए, सब कुछ मैंने साफ़ करके धुलाई करी। मैं सोचती थी ना कि हमारा घर गांव पे है तो वहाँ पे ज़्यादा धूल होती है, बट यहाँ तो और भी ज़्यादा धूल है। जैसे हम लोग 20 दिन घर पे रहे थे तो मतलब इतनी ज़्यादा धूल बैठी थी घर पे कि मतलब सोच रही थी ना कुछ कुछ सामान ऐसे ही साफ़ करके रख दूँ, बट वो हो ही नहीं रहा था ऐसे रखने लायक। सब कुछ धुलाई करा उसके बाद ही लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा साफ है। तो यहाँ पे ना बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे और हस्बैंड भी, क्योंकि किचन का काम ना सबसे ज़्यादा होता है। चाहे घर में और काम कितना भी फैल जाए ना, किचन सेट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अब सब कुछ सेट हो गया, अब हमारा सारा काम हो जाएगा। और दिन में आए थे हम लोग और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया था तो तुरंत फिर मैं उसके बाद किचन साफ़ करने में लग गई थी। तो पूरी मेरे को ये काम करते करते, किचन साफ़ करते करते शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था लगभग। तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा भी वीडियो शूट नहीं किया और फ्रिज भी अच्छे से साफ़ नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा हल्का सा ऐसे कपड़ा मार लिया था। मैंने सोचा कि फिर कभी टाइम मिलेगा तो डीप क्लीन जब बच्चे स्कूल जाएंगे तब करूँगी, और वैसे इतनी ज़रूरत नहीं थी फ्रिज को डीप क्लीन करने की अभी। बस तो उसके अंदर जो भी सामान पड़ा था वो मैंने ऐसे कपड़े से साफ़ कर लिया था और बाहर पर भी कपड़ा मार लिया था। घर के कामों के साथ साथ ना अपने पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले मैं ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करती थी, बस काम पे ही लगे रहती थी, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी बहुत टाइम पहले। तो फिर ऐसे ही अपनी जेठानियों को देखा और बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि हाँ अपना भी ध्यान रखिए, नहीं ज़रूरी नहीं है कि बस दिन भर काम ही करते रहो। इस काम को एक अच्छे से एक अपना टाइम टेबल दे के हम लोग करें ना तो अच्छे से मैनेज हो जाता है और अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। जैसे हम लोग मॉर्निंग में अगर जल्दी उठ जाएँ या नाइट में जल्दी सो जाएँ तो इस वजह से ना बहुत सारे हमारे जो काम होते हैं वो आसान हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा काम को ना एक टाइम टेबल से करो तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। और अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करना, अपने आप को कभी कभी पैम्पर करना, ये अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए। इसीलिए हम लेडीज़ों की ज़िंदगी ना एक अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। घर में सभी का बहुत सारे काम होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक मेरा ही या किसी और का ही, सारे हाउसवाइफ के काम होते हैं। भले ही किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो एक हम लोग हिसाब से और टाइम दे के हर काम करें ना तो अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे किचन सेट करते करते रात हो गई थी और मैं बना रही हूँ रात का खाना और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सब्ज़ी काटूँ फिर सब्ज़ी बनाऊँ। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आज मैं दाल रोटी बना देती हूँ। मैं चाहती तो मैं मार्केट से मंगा सकती थी, यहाँ पे ये है कि हाँ हम लोग सब्ज़ी वगैरह मार्केट से ले आएँ, बट नहीं, क्योंकि ठीक है इतना हम लोग कर सकते हैं कि आराम से हम लोग अपने लिए दाल रोटी बना सकते हैं।
आज है नेक्स्ट डे, तो हम लोगों को ना थोड़ी मार्केट भी काम था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों का भी स्कूल खुल जाएगा और हस्बैंड का भी ऑफिस हो जाएगा। तो इस वजह से हस्बैंड ने बोला कि तुझे हॉस्पिटल भी दिखा दूंगा और थोड़ा बहुत हमें घर के लिए कुछ सामान खरीदना था तो वो काम भी हमारा हो जाएगा। तो फिर मार्केट में मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया, तो बस थोड़ा थोड़ा शूट किया। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मैंने दांत वाले को भी दिखाया और एक जगह और दिखाना था वहाँ भी दिखाया, और फिर थोड़ा सा मार्केट से हमें शॉपिंग करनी थी और पर्दे देखने थे थोड़ी बहुत, वो हमने काम किया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। मैंने थोड़ी बहुत जो भी सामान था, ग्रोसरी सामान, पर्दे और जो भी था थोड़ी बहुत घर का, वो हम सुनो, इसका टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। जैसे हम लोग अल्मोड़े में खाते थे ना, तो सच में अल्मोड़े की कुल्फी का जैसा टेस्ट है। अभी तक ऐसे हमारे बैग ऐसे ही पड़े हैं, ये कपड़े, ये बेड ऐसा। यहाँ पे ना हम लोग घर आ गए थे और खाना हमने बाहर ही खा लिया था क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था, घर आके खाना बनाने का टाइम नहीं था। तो उसके बाद मैंने घर आई, थोड़ी देर आराम किया और फिर उसके बाद बेडरूम क्लीन किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैग अनपैक करूँगी और ये अलमीरा अच्छे से सेट कर दूँगी। हाउसवाइफ का यही काम होता है, इसीलिए शायद हाउसवाइफ बोला गया है। और एक अच्छे से घर को प्रिपेयर रखना, अच्छे से घर को मैनेज करके रखना, यही हाउसवाइफ का काम होता है। कामों की ना धीरे धीरे हम लोगों को आदत हो जाती है, तो हमको अच्छा भी लगने लग जाता है कि घर को साफ़ सुथरा रखना, अपने घर को मैनेज करना। हर दिन जैसे हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, उनका ऑफिस का भी अपना टाइम होता है, तो वैसे ही हम लेडीज़ का भी घर का एक अपना टाइम होता है। ये भी एक ऑफिस से कम नहीं होता, शायद ऑफिस से ज़्यादा ही होता है। तो बस यही है गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।